हाय फ्रेंड, सुसोवनस किचन में आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ छुरी आलू भाजे का रेसिपी। अब ये रेसिपी एक बार बनाना सीख जाओगे तो बार बार बनानी पड़ेगी। ये बहुत ही टेस्टी है। और तो चलिए आज का रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए हम लेंगे 3 बिग साइज का पोटेटो। और ये पोटेटो को ऊपर जो कवर था वो हम कट कर लिया और यहाँ पर पानी से भिगो के रखा। और एक ग्रेटर से पोटैटो को ऐसे तरह हम ग्रेट कर लेंगे। तो देखो ऐसे तरह मैंने ग्रेट कर रही हूँ। एक पोटैटो को मैंने ग्रेट कर लिया, देखो ऐसे तरह हुई। तो मैंने बाकी सारे पोटैटो को भी ऐसे तरह मैंने ग्रेट कर लिया। और देखो कितना स्टार्च निकाला है। और इसको हम अच्छे से धो लेंगे पानी से और एक छन्नी की मदद से इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। देखो यहाँ पर मैंने वॉश कर रही हूँ। यहाँ पर ऊपर से पानी लिया और ऐसी तरह हाथों का प्रेस करके धो रही हूँ। देखो ऐसी तरह। और देखो यहाँ पर धो लिया मैंने अच्छे से और एकदम स्टार्च नहीं है, एकदम वाइट हुई। देखो अब हम वो डिश में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखो ऐसी तरह मैंने ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और यहाँ पर साफ वाटर देंगे। देखो ऐसी तरह मैंने फिर से वाटर दिया इसके अंदर। और यहाँ पर बर्फ का टुकड़ा इसमें ऐड कर देंगे। देखो ऐसी तरह मैंने बर्फ का टुकड़ा इसमें ऐड किया। और वो सारे बर्फ का टुकड़ा गलने के बाद यहाँ पर मैंने उसको उठा लेंगे ऐसी तरह हाथों की मदद से प्रेस करके। तो यहाँ पर सारे उठा लिया और हम छत पर गई इसको सुखाने के लिए। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर रखा मैंने और इसका ऊपर हम ऐसी तरह स्प्रेड कर देंगे। देखो यहाँ पर मैंने स्प्रेड कर रही हूँ। तो ऐसी तरह मैंने स्प्रेड कर दिया। अब हम 5 मिनट के बाद इसको उठा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर छत पर ही वेट किया था और 5 मिनट बाद देखो मैंने हल्को हाथों से इसको उठा रही हूँ। तो सारे मैंने उठा लिया और इसके ऊपर जो पानी थी वो एकदम ड्राई हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसका जगह आप राइस पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पर देखो मैंने ऐसी तरह मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया और तेल गर्म होने के बाद यहाँ पर डालेंगे करी पत्ता, 2 सूखी हुई मिर्ची डाल देंगे। और ये सारे फ्राई होने के बाद यहाँ पर एक अच्छा सा खुशबू आएगी। उसके बाद ये सारे उठा लेंगे और यहाँ पर डालेंगे बादाम। मैंने यहाँ पर बादाम तो मैंने पहले से ही फ्राई करके रखी थी और एक बार मैंने फ्राई कर रही हूँ। आपके पास कच्चा बादाम है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कढ़ाई से उठा लिया इसको फ्राई होने के बाद। यहाँ पर वो आलू को फ्राई करेंगे। देखो इसी तरह ही फ्राई करना। एक हाथों में लिया और ऐसी तरह मैंने स्प्रेड करके कढ़ाई में डाल दिया। और इंस्टेंट आप ऐसी तरह पकाते रहना। देखो ऐसी तरह मैंने पका रही हूँ। और सारे पोटैटो जब ऐसे ऑयल का ऊपर आ जाएंगे तब ऐसे उठा लेना। तो मैंने यहाँ पर एकदम फ्राई करके रेडी है। तो मैंने सारे उठा रही हूँ। तो ऐसी तरह मैंने सारे पोटैटो को फ्राई कर लूँगी। देखो ऐसी तरह एकदम परफेक्ट बना है। और एक बात अब ध्यान रखना, ये सारे हाई फ्लेम पर ही बनाना है। अब लो फ्लेम पर बनाओगे तो अच्छा नहीं होगा। मेरे यहाँ पर ये रेसिपी एकदम बन कर रेडी है। अब ये रेसिपी एक बार बनाओगे तो बार बार बनानी पड़ेगी। इतना टेस्टी होता है ये रेसिपी। अब ये एयर कंटेनर में रखोगे तो ये आप जितना दिन चाहते हो उतना दिन ये कवर करके रख सकते हो। और ये बहुत ही टेस्टी होता है। मेरे तो एक दिन में ही सारे ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पर ये बंगाल में डाउल के साथ सर्व करते हैं। अब बंगाल में आओगे तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो मेरे आज का रेसिपी आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।